आज आपके लिए मैं बैगन का नए तरीके से बना हुआ चटनी ला रही हूँ। चटनी आपने बैगन के आग पर पकाकर बहुत सा खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक नए तरीके से बैगन और टमाटर की चटनी बनाकर दिखा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार ट्राई जरूर करना। अब मैं बनाना शुरू। देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से ही बैगन को कट करके और टमाटर को उबाल कर रखा था, जिसे मैंने ठंडा होने छोड़ा था। अब ये ठंडा हो गया है, तो देखिए इसके छिलके उतार ले रही हूँ। ये अभी भी थोड़े गर्म है, लेकिन मैं गर्म उतार रही हूँ ताकि गर्म में अच्छे से मैश हो जाते हैं। हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप किसी भी चीज़ से इसे मैश कर सकते हैं। अब हम इसे कढ़ाई में भूनेंगे। बैगन की चटनी में हमेशा ये ध्यान रखें, मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करेंगे। इससे हमारे चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और तेल हम 3 से 4 चम्मच यूज़ करेंगे, क्योंकि ये चटनी है तो इसमें तेल अच्छा होना चाहिए। अब हमारा तेल यहाँ पर गर्म हो गया है। यहाँ पर हम इसमें फोरन में राई डालेंगे। राई जब हमारी चटकने लगेगी, यहाँ हमारा मस्टर्ड देखिए चटकने लगा। अब हम इसमें अदरक एकदम बारीक कटी हुई होनी चाहिए, आप उसे क्रश भी कर सकते हैं। देखिए मैंने कितना बारीक लहसुन काटा है। लहसुन को इसमें डालेंगे और बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे। ध्यान रहे, लहसुन अगर बहुत बारीक नहीं काट सकते हैं तो इसे आप क्रश जरूर कर लें। अब हम इसमें बारीक कटी प्याज डालेंगे, इसे थोड़ा भून लेंगे। हमारा ये देखिए बैगन मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे और हम इसमें स्वाद के लिए नमक डालेंगे। और दोस्तों, हम इसमें एक नया प्रयोग किए हैं जिसे मेरे घर में बहुत पसंद किया गया। यहाँ पर हमने मैजिक मसाला, जो हमारे मैगी का आता है, मैजिक मसाला बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, आप उसे इसमें डालें। ये टेस्ट इन्हेंस करेगा और बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। और इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा 2 मिनट हम आग पर इसे भून लेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया है, भुना गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और धनिया के पत्ते से इसे गार्निश कर देंगे। तो हमारा ये बैगन का चटनी तैयार है लिट्टी के साथ सर्व करने। आप इसे किसी पराठे के साथ, किसी भी स्टफ्ड पराठे के साथ, प्लेन पराठे के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा नए तरीके से बना हुआ बैगन का चटनी तैयार। ये बैगन की चटनी तैयार है। इसे पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।